आज मैं आप लोगों की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही हूँ? हिंदी पढ़ा रही हूँ। हिंदी में क्या पढ़ा रही हूँ? विषय क्या है आपका? मात्रा। क्या है? मात्रा, ठीक है। आप लोग तो पढ़े होंगे ना, आ हर्ष दीर्घ, ये सब क्या है? स्वर है। क्या ये? स्वर। स्वर की कुछ मात्राएं होती हैं जिनसे हमें क्या होता है? शब्दों का ज्ञान होता है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मात्राएं, है ना, मात्रा। तो आप लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं? स्वर पढ़े हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर, ठीक है। अभी क्या है ये? आ, आ, हसई, दीर्घई, हर्षो, दीर्घो, री, ए, आई, ओ, आओ, अहं, अहा, ये सब क्या है आपके? स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ तक आपका क्या है? अ से लेकर के औ तक स्वर है। अंग अह क्या है? आयोग व। क्या है ये? अंग अह आयोग व है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मात्रा पढ़ रहे हैं। अ, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी उच्चारण अ ही होती है और इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। मात्रा किसकी होती है? आ से लेकर के अह तक की मात्राएं होती है। आप देख रहे हैं मैं स्वर लिखी हूँ, आ से लेकर के अह तक लिखी हूँ। अब इसकी मैं क्या बताने जा रही हूँ? मात्रा बताने जा रही हूँ। ये जो क्लास हो रही है वो LKG और UKG दोनों की हो रही है, ठीक है। तो दोनों क्लास को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आ, क्या है ये? आ। तो आ का एक ट्रिक है, ठीक है। इसकी मात्रा को पहचानने, उसके जानने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को मैं बता रही हूँ। ये देख रहे हैं लेटर कौन सा अक्षर है? ये आ। क्या है? आ। इसको क्या करेंगे? अ को हाथ से छिपा देंगे, इसको छिपा दिए, ठीक है। यहाँ पे एक डंडा दिख रहा है आपको, ये क्या है? आकार की मात्रा है। क्या है ये? आकार की मात्रा। इस आकार की मात्रा को हम यहाँ लिख दिए, क्या बन गया ये? एक टी के समान बन गया। तो ये क्या हो गया? आ की मात्रा बन गई। किसकी मात्रा बन गई? आ की मात्रा बन गई। ये दिख रहे हैं आप हर्षे, क्या है ये? हर्षे। हर्षे की मात्रा में क्या करना है आपको? सिर्फ एक इस तरह से लिखना है टी के समान और ऊपर में इस तरह से घुमा देना है, इस तरह से, है ना। ये क्या बन गई? हर्षय की मात्रा बन गई। अब है दीर्घई, क्या है? दीर्घई। दीर्घई में क्या करना है? दीर्घई में भी आपको टी बनाना है इस तरह से और उसको क्या करना, देख रहे हैं आपको इस तरह से घुमा हुआ है, इसको इधर से घुमा देंगे। ये किसकी बन गई? दीर्घई की मात्रा। ये क्या है? हर्षव। हर्षव में क्या करना है? इसको इस तरह से छिपा देना है। ये लोग घुमा हुआ दिख रहा है, इसको यहाँ पर घुमा देंगे और यहाँ छोटा सा एक गोल से दे देंगे। ये क्या बन गई? हर्षव की मात्रा। किसी हर्षव की। अब यहाँ देख रहे हैं दीर्घव, क्या ये? दीर्घव। दीर्घव में क्या करना है? इसको हाथ से छिपा देना है। ये पुछ दिख रहा है आपको, इस पुछ को क्या करेंगे हम लोग? इधर निकाल देंगे और इसमें क्या करेंगे? गोल कर देंगे। किसकी मात्रा बन गई? दीर्घव की मात्रा बन गई। अब यह री है, क्या है? री। री में क्या करना है? इस तरह को हम क्या करेंगे? हम लोग करेंगे इसको छिपा देंगे। इसको छिपा दिए, ये मात्रा आपको दिख रही है तो किसकी मात्रा बन गई? री की मात्रा बन गई। ए, क्या ये? ए। इसमें कुछ ऊपर में है? नहीं है, इस तरह से। इसको क्या करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे तो क्या बन गई? ये ए की मात्रा। अब यहाँ देखिए, इसमें देखिए आई, आई में एक है, इसको हम दो कर देंगे। इस तरह से छिपा करके इसको क्या करेंगे? हम लोग दो को बना देंगे। क्या हो गया ये? आई की मात्रा। ओ में क्या करेंगे? ओ को हटा देंगे, हाथ से छिपा देंगे। दिख रहा है ये वाला आपको दिख रहा है, इसको यहाँ पर लिखिए। इसकी मात्रा बन गई ओ की मात्रा बन गई। अब यहाँ देखिए आओ, आओ में भी क्या करेंगे? आओ का छिपा देंगे,
ए मात्रा आपको ये वाला दिख रहा है आपको, इस मात्रा को हम यहाँ लिख देंगे। किसकी मात्रा बन गई? आओ की मात्रा, आओ, ठीक है, अंग है ना, अंग, अंग में क्या करेंगे आपको छिपा देंगे, ये बिंदु दिख रहा है, इस बिंदु को इधर लिख देंगे। किसकी मात्रा बन गई? अंग की मात्रा। आह क्या ये आह, आह में क्या करेंगे आपको छिपा देंगे, दो को बिंदु दिख रहा है आपको, ये दो बिंदु को हम लोग क्या करेंगे आप लिख देंगे। किसकी मात्रा बन गई? अह की मात्रा, इसकी अह की मात्रा, ठीक है। अ की कोई मात्रा नहीं, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, और अ अंग अह ये जो है आपका अयुग्म स्वर है, ठीक है। अ आ, अ की जो है कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है आकार, हर्षय की हर्षय, दीर्घ की दीर्घ, हर्षव की हर्षव की मात्रा, दीर्घव की दीर्घव की मात्रा, री की री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, औ की औ की मात्रा, औ औ की मात्रा, अंग अंग की मात्रा, अह अह की मात्रा, ठीक है। इसमें कैसे हमने बताए थे, अ को हाथ से छिपा दिए तो किसकी मात्रा बन गई? आकार की मात्रा बन गई। हर्षव को भी इस तरह से छिपा दिए, नीचे ये निकला हुआ है, इसको भी आ सकती, ये किसकी मात्रा है? हर्षव की मात्रा। हर्षय दीर्घ जो है एक दंड, हर्षय में क्या करना है, एक घंटा पार करके इसकी दर्श घुमा देंगे तो किसकी मात्रा बन जाएगी? हर्षय की मात्रा। और इसमें दीर्घ की मात्रा में भी क्या है, एक घंटा बना देंगे और इसको इस तरह से घुमा देंगे, किसकी मात्रा बन गई? दीर्घ की मात्रा। इसी तरह से क्या होती है, ये मात्राएं बनती है। समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। और से क्या होता है? अनार, आ से आम, हर्षय से इमली, ये सब तो जानते हैं ना। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, ये सब मात्रा की क्या करेंगे हम लोग, कुछ वर्ड्स बनाएंगे, कुछ शब्द बनाएंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप अपने कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।